आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि भूखमरी से बहुत से ज्यादा गरीब लोग मरते हैं। हर साल अगर आंकड़ा देखते हैं हम, तो पूरी दुनिया में 20 मिलियन से ज्यादा यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ना भूखमरी से ही मरते हैं। इसका सलूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, इसका सलूशन मैं आपको इतनी इजी वे में दूंगा, हर कोई इस सलूशन का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है और इसमें विदाउट 1 रुपया के खर्चे में आप लोग मदद कर सकते हैं बहुत सारे गरीबों की। किसी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसमें वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दुनिया में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आते हैं, वो टाइम के साथ साथ चले जाते हैं, बट ये जो प्रॉब्लम है भूखमरी की, ये जो है ना हमेशा रहती है दुनिया में। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कि कोई आदमी ना भूखमरी से मरते रहता है या फिर उसको परेशान होना पड़ता है भूख की वजह से। इस चीज को जो है ना एक ईजी वे में कैसे हम खत्म कर सकते हैं और इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम एक इनिशिएटिव ला रहे हैं कि एक फ्री मील के नाम से, जैसे कि देखिए, अब मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूं या फिर कोई दुकान में कुछ परचेस करने के लिए जाता हूं, समझ लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे मैं कुछ एक 100 रुपए का, 200 रुपए का या फिर 300 रुपए का कुछ भी खरीदता हूं, उससे क्या होगा, जब मैं मतलब अपना पेमेंट कर दूंगा तो मैं एक्स्ट्रा 50 रुपए हो या फिर 100 रुपए हो, वो मैं एक फ्री मील के नाम पे उसको दे दूंगा, जो कि वो रेस्टोरेंट का या फिर ढाबे का या फिर कोई भी दुकान का ओनर है, उसको मैं 50 रुपए या फिर 100 रुपए फ्री मील के नाम पे मैं दे दूंगा। जैसे कि हमारे पास, आप लोग के पास कुछ भी बचता है, जैसे कि 50 रुपए क्यों ना हो, 10 रुपए क्यों ना हो, 5 रुपए क्यों ना हो, अगर बचते हैं तो हम उसको एक फ्री मील के नाम पे उसको डोनेट कर देंगे। उसमें क्या होगा, अगर कोई आदमी, कोई भूखा आदमी आएगा वहां पे खाना खाने के लिए, तो वो चीज भीख नहीं मांगेगा वहां पे, वो हमारे जो पैसे होंगे 10-10 करते या फिर 50-50-50 करके जमा होके जो एक अमाउंट बन जाएगा वो वहीं पे रहेगा कंटिन्यूअसली। देखिए ग्राहक आदमी का जो कस्टमर जो कंटिन्यूअसली जो हम लोग जो जाते रहते हैं, हम लोग तो कंटिन्यूअसली 50-100 रुपए देते रहते हैं, तो उस चीज का जो है ना ये चेन चलती रहेगी, देखिए ये चेन खत्म होने वाली नहीं है। सेकेंड चीज जो है, वो लोग जब आएंगे खाना खाने के लिए, वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि कुछ मेरे को भूख लगी है कुछ दे दो, ये ऐसे नहीं बोलेंगे, वो लोग डायरेक्टली जो है ना आके फ्री मील अवेलेबल है क्या नहीं है, सीधा इतना पूछेंगे, फ्री मील है क्या नहीं है आपके पास। अगर वो दुकानदार के पास फ्री मील नहीं रहेगा तो वो बोलेगा नहीं है, पर तो गरीब आदमी सीधा डायरेक्टली आके पूछ सकता है कि फ्री मील है या नहीं है। उसको ये चीज पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट भी नहीं होगी कि मैं भीख मांग रहा हूं या कुछ, उसको ऐसे लगेगा कि मेरी मदद हो रही है, वो डायरेक्टली आके सीधा फ्री मील के बारे में पूछेगा। देखिए ये इतना सिंपल सा एक सोल्यूशन है कि हम लोग ये जो है किधर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी छोटी से छोटी दुकान हो या फिर बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट हो, वहां पे ये चीज इम्प्लीमेंट हम आराम से कर सकते हैं। कभी देखते हैं हमारा 1000 रुपए बिल होता है तो कुछ ना कुछ हम 50 रुपए तो भी हम डोनेट कर सकते हैं उस चीज के अंदर, बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। और जो सेकेंड जो लोग पूछेंगे कि ये चीज जो है ना क्या सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, देखिए हर ढाबे वाला हर रेस्टोरेंट वाला ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा हमारा रेस्टोरेंट जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत रेप्यूटेड है, तो हम यहाँ पे गरीब लोगों को आने नहीं देते हैं। ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो इसका भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। देखिए आप और हम हैं उस रेस्टोरेंट में जाने वाले, उस रेस्टोरेंट में खाने वाले, उसका बिजनेस हमारी वजह से चलता है। हम क्या करेंगे, हर रेस्टोरेंट वालों को एक चीज बोल देंगे कि यहाँ पे फ्री मील एक्सेप्ट होती है, ऐसा करके एक छोटा सा बैनर या फिर कोई भी छोटा सा एक लिखा हुआ अपने बोर्ड पे चिपका दें। ऐसा करने से जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस जगह पे, जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में ये चीज लगाई जाती है, तो वहीं जाके हम खाना खाएंगे, वहीं जाके हम उसके जो है ना मतलब वहीं पे जाएंगे, दूसरी जगह हम लोग नहीं जाएंगे। जो आदमी, जो रेस्टोरेंट वाला अगर ये चीज नहीं करता है, ये चीज अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। अगर हम ये इनिशिएटिव लेते हैं तो वो भी अपने ग्राहक को देखते हुए, जैसे कि कंज्यूमर मेरे पास जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे खाना खाने के लिए, तो वो चीज भी उसको बेनिफिट करेगी कि वो लगा देगा। तो दूसरी चीज, लोग जितने आएंगे साथ ही साथ गरीब लोगों को बेनिफिट, मतलब वो पैसा फ्री मिल का जमा होता जाएगा, लोग गरीब लोगों की मदद होती जाएगी। देखिए इसमें हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, हमारे जो टिप जो जैसे हम देते हैं, जो हम 50-100 रुपए चाय में खर्चा करते हैं, सिगरेट गुटखा ये चीज में खर्चा करने से अच्छा हम लोग जो है ना ये चीज इसमें डोनेट कर सकते हैं। 10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए बोल रहा हूं मैं, 50 रुपए 100 रुपए जिसकी जितनी पावर है, जिसका जितना जो है ना देने का जो मन है उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा कोई मैं आपको ज्यादा डोनेट करने की बात भी नहीं कर रहा हूँ।
और तीसरी चीज उसको सबसे ज्यादा फायदा है गरीब को, जो कि एक मील के लिए, एक खाने के लिए जो है ना किधर बल उधर भटकते रहता है, भीख मांगते रहता है या फिर परेशान रहता है। तो इस चीज को हम गरीबी को जो है ना, भूखमरी को टोटली जो है ना जड़ से खत्म कर सकते हैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए। अगर ये आइडिया मेरा अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में है, गवर्नमेंट में है या फिर पॉलिटिक्स में है या फिर कोई भी बड़े आदमी है, इन्फ्लुएंसर्स है, उनको ये चीज शेयर करिए, उनको टैग करिए इस वीडियो में, उनको ये चीज शेयर करिए और बताइए कि इस इनिशिएटिव से हम भूखमरी को जो है ना खत्म कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सबसे ज्यादा चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करो, सिर्फ शेयर करो, इसमें बहुत ज्यादा लोगों का फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।